से निकाल के। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। और मेरे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आज हमारी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि आज हमारा गिफ्ट आया हुआ है। तो अभी चलते हैं, फिर ओपन भी करेंगे और आप लोगों से शेयर भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप देख सकते हैं आज हमारा गिफ्ट आया हुआ है, तो अभी चलेंगे ओपन करेंगे। तो अम्मी अब चलें। हाँ चलो, मैं भी आ रही हूँ, थोड़ी सी लकड़ियाँ बना लूँ, फिर गिफ्ट ओपन करते करते ना शाम हो जाएगी। तो पहले लकड़ियाँ बना के रख लेती हूँ, चलते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी मौसम भी अच्छा है, वो देखें बकरियाँ भी आई हुई हैं वहाँ पर, घर भी बने हुए हैं। हाँ चलो चलो, मैं भी आ रही हूँ। माशाल्लाह से काफी बड़ा भी है, लेते हैं इसमें क्या है। शेफ कैंची ले आओ। कैंची मैं लेकर आई हूँ, लेकिन माशाल्लाह से हमारा गिफ्ट बहुत ही बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारा गिफ्ट आया है, तो अभी इसको ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले हम आप लोगों को ये बता दें, ये गिफ्ट ना मेरी सिस्टर के पास आया था और शुएब को रात को आधी रात को फ़ोन आया था, तो शुएब तो नहीं जा सकता था, तो अबू जान गए थे, तो उनका भी गिफ्ट था और हमारा भी। तो फिर सुबह को कॉल आई थी, फिर सुबह सुबह जाकर ना शुएब लेकर आया था। तो अभी हम ओपन करते हैं, इसको फाड़ो नहीं, ये वहाँ सवारियों के ऊपर ना दूर से आते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ से फट जाते हैं। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते ना हम शुरू करते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे होंगे, पता नहीं हमें क्या पता। ये ना दोनों बहुत बेचैन हो रही हैं कि पता नहीं शुएब के लिए क्या होगा और मेरे लिए क्या होगा और बाकी सब के लिए क्या होगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ना बहुत सारे गिफ्ट देखे थे ना, उनमें टाफियाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी होती हैं, ये दोनों इतने बेचैन हो रहे हैं कि हमारे लिए क्या होगा। तो अभी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं। ये लो शुएब, ये अंदर रख कर आओ, पहले शुएब को तो आने दो। इतनी जल्दी भी क्या है, बैठो आराम से देखते हैं, बैठो बैठो। इतना यहाँ पर रख देते हैं, फिर चलो इसको ना खोलते हैं, फिर ये दिखा देते हैं, फिर बाकी की निकालेंगे। ठीक है फातिमा, फातिमा एक साइड से आगे ऊपर बैठो, यहाँ ये तो खुल भी नहीं रहे। तो अभी मैंने ये खोल दिया है और मेरी उस सिस्टर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। अल्लाह ताला उसे ढेर सारी खुशियाँ दे। मैं क्या दिल से भी उसका शुक्रिया बहुत कर अदा करना चाहती हूँ। ये देखें, ये दुपट्टा लग रहा है मुझे, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दुपट्टा है और ये इसके साथ इसकी सलवार है और ये लगता है ये कमीज़ है। ये कमीज है। और इसका भी, और इसका भी गला बना हुआ है, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये लगता है अम्मी का है। चलो मेरा होगा या बेटियां सी लेंगी। इसको ओपन करके यहाँ रख देते हैं फिर निकाल कर देते हैं। ये इसके बाजू हैं और ये सूट भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये तो जैसे हम किसी मेहंदी पे या शादी पे जाते हैं ना पहन के। आप देख सकते हैं ये सूट है, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। हाँ इसके साथ ये दुपट्टा है, इसको फातिमा पैक कर दो। और ये देखें यहाँ पे सारे, ये नीचे इसका गला नहीं बना हुआ और बाकी के नेकलेस में लगे हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा काम इसका भी है, ऊपर से पिछली सेट में सिर्फ आगे वाली सेट में बना हुआ है, पिछली सेट में नहीं है। यहाँ पे रख दो फातिमा। और ये इसके साथ ये सलवार है और जो ये सूट है ये तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये तो दो कलर में लग रहा है। ये देखिए, ये जैसे
मेहंदी पे पहने जाते हैं। हमारे गांव में तो अक्सर यही पहनते हैं ना। ये देखिए इसका गला भी बहुत प्यारा बना हुआ है, मुझको तो ये कलर वैसे बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि हम तो अपने गांव में यहाँ शहर में ज़्यादातर कपड़े लेने भी नहीं जाते, और लेते भी हैं तो बिल्कुल सिंपल से होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और मिलते भी नहीं। और ये भी देखिए ये बहुत ही प्यारे हैं, और इतने महंगे और इतने कलर वाले कपड़े हमने आज पहली बार देखे हैं। ये साथ। हाँ ये इसके साथ दुपट्टा है, ये सर्दियों में भी दुपट्टा पहना जा सकता है। और ये इसकी तो जितने शॉपर वाले कपड़े थे ना मैंने सारे निकाल के बाहर रख दिए हैं और आप देख सकते हैं। और ये आखिरी शॉपर बचा हुआ है और इसमें ये जुराबे हैं, ये जो रुमाल हैं, और फातिमा के लिए मेरा कपड़े वगैरह फातिमा के लिए नहीं थे मगर उसके लिए ये पर्स है, बहुत ही प्यारा है। जी माशाल्लाह से काफी ये अच्छा दुपट्टा, फातिमा ने एक ही दुपट्टा पसंद किया हुआ है बस, इसको इसको चलो इसके सूट वगैरह नहीं है ना, इसको इसका फ्रॉक बना देंगे। अभी फातिमा पास खोल के देखेगी इसमें क्या है। ये देखें एक ये गोटियां है, कपड़े सिलाई करने वाली ये गोटियां हैं, जो भी इसके साथ साथ होंगी ना वही मैच करके फिर सिलाई करेंगे। और ये रुमाल भी हैं कुछ, ये भी पड़े हुए हैं निकाल के। ये देखें ये देखें डबल डबल है, ये भी डबल है, ऐसे जैसे वैसे खाना वगैरह खाते हैं ना हाथ हाथ धोने के लिए रुमाल होते हैं छोटे छोटे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं, मेरा पास बहुत ही प्यारा है छोटा। चलो कोई बात नहीं, फातिमा खुश तो हो गई है क्योंकि इसके कपड़े वगैरह तो नहीं थे, चलो एक इसके लिए पास था इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। बाकी दुपट्टे हैं फातिमा भी कर सकती है इनके साथ। ये वाला मेरा दुपट्टा है, ये देख सकते हैं आप, ये छोटा है, ये मैंने भी खुद पसंद करके देखा है कि अम्मी कह रही थी कि यही मेरा दुपट्टा है, मैंने कहा ठीक है इसके साथ कोई जोड़ा नहीं था इसलिए। काले इसके बहुत सारे और भी सूट हैं, कोई भी मैच हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा। चलो अभी रखते हैं, पैक करते हैं सारे दोबारा। आज जो हमारा गिफ्ट था हमने ओपन भी किया और आप लोगों से भी शेयर किया, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आया होगा। अभी ना इनको सारे पैक करके दोबारा रखते हैं और शाम भी होने वाली है, खाना वगैरह भी बनाते हैं। फातिमा आप ओपन करो, ऐसे रखना है ना, फिर ख़राब हो जाते हैं सिलाई के लिए। एक और वो भी रख दो, पैक करके रख दिया है। तो आप देख सकते हैं गिफ्ट में मेरा एक ये वाला दुपट्टा था, तो ये मैंने वीडियो बनाने के लिए निकाला। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी मुझे प्यारा मिला, मेरे जोड़े के साथ मैच कर गए। तो अम्मी आटा गूंद रही है, तो आप देख सकते हैं अंडे अंडे उबाल हो रहे हैं। सब्जी लेने भी नहीं आ गया, जब खड़ा रहा जब गिफ्ट खुल गया तो उसमें कुछ नहीं निकला शोएब का, तो फिर खेलने भाग गया। मैंने कहा थे कि मेरा कुछ तो निकल गया, पर्स निकला कि आज बट्टे निकल गए, जोड़े तो मम्मी मुझे बना देगी। तो आप देख सकते हैं आज हम आलू अंडे बना रहे, क्योंकि कल हमने मेथी बनाई थी ना, इसलिए अंडे पड़े हुए थे, आलू तो पड़े हुए थे अंडे भी, तो आज हम आलू अंडे बना रहे हैं। वैसे फातिमा सच बात कह रही है, क्योंकि शोएब जब हमने गिफ्ट ओपन किया था ना तो वो पहले बहुत ज़्यादा खुश था, तो जैसे उसने देखा कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो वो भाग गया। तो वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, और अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।